ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 मारुति सुजुकी इग्निस जेटा वेरिएंट। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइट्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसकी अगर टेस्ट ड्राइव बुक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो घर बैठकर। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक यूज़ कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आप इनकेस अगर किसी और मॉडल की इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। गाड़ी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। चलेंगे पास में और इसका जो पूरा पहले क्लोज व्यू है वो आपको देंगे। तो पहले जो इसका पहले मैं नीचे आ जाता हूँ और पूरा व्यू आपको दे देता हूँ। काफ़ी स्टाइलिश और एक कूल लुक के साथ, एक क्यूट फील के साथ इसका फ्रंट प्रोफाइल आता है, जो ऑब्वियसली नए में और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। 2020 मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। क्लोज व्यू आप ले लो इसके हेडलैम्प्स का, तो नॉर्मल हेडलैम्प्स आपको प्रोवाइड करे गए। क्लस्टर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे आप देख पा रहे हो बहुत सारी लाइट आपको मिलने वाली है। नाइट टाइम में आपको विजिबिलिटी का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं तो पूरी आपको क्रोम बीडिंग्स इधर प्रोवाइड करी गई हैं शानदार एक लुक देने के लिए। इधर आपको जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी प्रोवाइड करे गए और आपकी जो ब्लैक एंड फिनिश है वो आपको देखने को मिल रही है साइड्स में। अब इसकी जो ग्रिल है वो आपको चेक कराएंगे, तो इधर भी आपको जो क्रोम इंसर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो। सुजुकी की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे दी गई है, बहुत बढ़िया सा फिट एंड फिनिश। इसके बाद इसका जो बोनेट एरिया है वो भी आप पूरा इधर देख सकते हो। फ्रंट प्रोफाइल आपको अच्छे से दिख गई होगी और अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे। साथ में जो इसकी की है वो भी आपको दिखा देते हैं, तो आपको रिमोट कीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, लॉक अनलॉक आप इससे कर पाओगे और गाड़ी को अनलॉक भी कर लेते हैं साथ में। अब इसका जो बूट स्पेस वगैरह है वो भी आपको चेक कराएंगे। अब चलते हैं, इसका जो वन फ्रेम व्यू है वो आपको देने की कोशिश करते हैं। वन फ्रेम व्यू पूरा आपको दिखा देते हैं, इधर आप देख लीजिए इसका वन फ्रेम व्यू, कंप्लीट साइड प्रोफाइल आपको इधर दिख रहा है। अब इसका जो व्हील एरिया है वो आप देख लो, ब्रिजस्टोन के आपको टायर्स प्रोवाइड करे गए, जो भी इसके स्पेक्स हैं आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल रहे होंगे। ORVM देख लीजिए तो बॉडी कलर पे अवेलेबल है और नीचे मिलती ब्लैक एंड फिनिश, इंडिकेटर इंसर्ट भी प्रोवाइड आपको किया गया है। अब इसकी जो रूफ़ है वो आप देख लो, तो सिंपल प्लेन रूफ आपको देखने को मिलती है। साइड्स में थोड़ी सी आपको जो फिटिंग है वो प्रोवाइड करी गई, जो बोल सकते फिटिंग नहीं लेकिन जो पैटर्न है सॉरी वो प्रोवाइड करा गया है। अपनी जो रूफ़ रोल्स हैं वो आप देख सकते हो, तो ये सिल्वर फिनिश पे दी गई हैं पूरी कंप्लीट, और काफ़ी बढ़िया सा एक अच्छा सा फील दे देती हैं, अच्छा सा एक प्रीव्यू दे देती हैं गाड़ी को। अब इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो आप देख लीजिए, तो आपको बॉडी कलर पे अवेलेबल हैं, आपका कीलेस का पैच हो गया। इसके बाद अगर आप बात करते हैं क्लैडिंग्स की, तो पूरी आपको व्हील आर्च क्लैडिंग साइड्स तक पूरी कैरी करी गई है, तो बॉडी आपकी प्रोटेक्शन मिलता है। इंडिया में ट्रैफिक कंडीशंस काफ़ी हैवी रहती हैं, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो साइड प्रोफाइल है प्लस इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे। इधर पूरा व्यू आपको मिल रहा होगा। अब बैक साइड की बात करने से पहले इसका जो को ड्राइवर साइड है वो आपको दिखा देते हैं। ऐसा कोई चेंज नहीं होता लेकिन फिर भी पूरी गाड़ी दिखाना हम लोग की ड्यूटी है और वो मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर अपना जो आप फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप देख सकते हो, जो भी इसके स्पेक्स होंगे साइड्स में दिख रहे होंगे। डोर लाइन विंडो लाइन की बात करते हैं, तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा फिटिंग्स प्रोवाइड नहीं करी गई हैं, सिंपल प्लेन फिनिश देखने को मिल रही है, डस्की फिनिश देखने को मिल रही है। अलग से आप चाहते हो अगर बीडिंग्स वगैरह लगवाना तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस करवा सकते हो, वो आपके चॉइस पे आपके बजट पे डिपेंड करता है। अब इसकी जो बैक प्रोफाइल है वो आपको दिखाएंगे। इधर अपना जो आप बैक प्रोफाइल है, बैक प्रीव्यू है, वो पूरा आप ले सकते हो। चलते हैं पास में और इधर आप पहले आप देख लो, आपका जो हाई स्टॉप लैंप है, आपका डिफॉगर है, आपका जो रियर वाइपर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। पीछे आप देखते हैं तो आपके जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं और आपका जो कैमरा है वो आपको नहीं मिलता है इसमें। इग्निस की ब्रांडिंग और सुजुकी की ब्रांडिंग क्रोम पे देखने को मिल रही है। इधर अपने आप टेल लैम्प्स हैं वो आप चेक कर लीजिए, तो फ्लैट एंड फील पे प्रोवाइड करे गए। जैसे आप इसके हेड लैम्प्स देखते हो वैसे ही आपको पूरा इसका प्रीव्यू मिलता है इसके बोल सकते हैं कि टेल लैम्प्स का, काफ़ी फ्लैट लगते हैं, आप देखिए बॉडी में पूरे इनकलकेटेड लगते हैं। इसके बाद अब इसका जो टेल गेट है वो ओपन करेंगे, तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं और फिर अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आपको दिखाएंगे। इसको मैंने ओपन कर लिया है, अब इसको टेल गेट ऊपर कर लेते हैं। इधर सबसे पहले आप देखते हो आपका जो पार्सल ट्रे वो आपको प्रोवाइड करा गया और काफ़ी ये वाइड सा दिया गया है, तो जैसे आप चाहते हो वैसे यूज़ कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छा रहता है, एडिशन रहता है डिज़ाइन में और कंफर्ट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। इधर अपनी आप जो बूट स्पेस है वो आप देख रहे हो, काफ़ी डीप बूट स्पेस प्रोवाइड करी गई है, बूट लैम्प भी आपको प्रोवाइड करा गया है, शानदार सी पूरी स्पेसेस अवेलेबल हैं। और इधर जो आप इसकी डेप्थ है वो भी आप चेक कर लो, मैंने हैंड अपना रख दिया है तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों इसको बंद कर देते हैं,
लगभग पूरा एक्सटीरियर कवर हो गया है, आपका जो रियर स्पॉइलर है वो आप देख लो, तो ये भी बोल सकते हैं आप एक डिज़ाइन एडिशन, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा फील देने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड करा है। काफ़ी लोग ये पसंद करते हैं, आपकी कुछ अलग थिंकिंग है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके बाद अब इसका जो डोर है वो ओपन कर लेते हैं और इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको चेक करा देते हैं। डुअल फिनिश पे आपको इसका डैशबोर्ड प्रोवाइड करा गया है, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के साथ इसका डैशबोर्ड आता है। पहले मैं आपसे इग्निस में बोलता था, बहुत अच्छा लगता है ये, आपको काफ़ी एरी से इंटीरियर लगने लगेगा अपने आप। इधर आप देखते हैं आपकी जो पूरी क्रीम फिनिश है प्लस आपकी जो ब्लैक एंड फिनिश के कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आपके जो डोर्स हैं वो आप देख लीजिए, तो आपकी जो डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल है, फ्रंट वाला आपको मिलता है ऑटो, आपका डोर लॉक अनलॉक है, विंडो लॉक है, ओवरवी एडजस्टर है, डोर खोलने के लिए हैंडल दिया गया है आपको क्रोम फिनिश के ऊपर। आपकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आप चेक कर लो, तो केवल आपको बैक एडजस्ट दिया गया, हाइट एडजस्ट आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, उसके लिए आपको टॉप एंड खरीदना पड़ेगा, मैनुअली आपको ये एडजस्ट करना है। अपने हेडरेस्ट हैं वो आप चेक कर लो, एडजस्टेबल दिए गए हैं, पीछे वाले भी आपको दिख रहे हैं वो भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। अब दोस्तों बाहर से काफ़ी बात कर ली, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर आराम से आपसे बात करेंगे ज़ेटा मॉडल के बारे में। कोई अभी तक क्वेरी मन में आ रही हो तो नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है, गाड़ी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें गाड़ी के अंदर, लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी इग्निस ज़ेटा मॉडल के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो आप पहले डैशबोर्ड है वो आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगता है। मैं आपसे जैसे बाहर भी बोल रहा था ना कि बहुत अच्छी से आपको पूरी ओपन एयर टाइप फील होगा, ओपननेस फील होगी इसके इंटीरियर में, क्योंकि पूरा आपको ब्लैक एंड फिनिश नहीं मिलता है, साथ में क्रीम फिनिश भी अप्लाई करी गई है। इधर अपर पार्ट देख लीजिए, तो इधर आपका डैशबोर्ड है वो आप चेक कर लो, अच्छा खासा ब्रॉड डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करा गया है, जैसे आप चाहते हो वैसे यूज़ कर सकते हो। फिट एंड फिनिश भी ठीक है, रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सा आपको फिट एंड फिनिश इधर प्रोवाइड करा गया है। बाकी आप लोग शायद इग्निस काफ़ी समय से चला भी रहे होंगे, पुरानी वाली इग्निस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी एक हाईलाइट है मेरे हिसाब से, काफ़ी बढ़िया सा फील के साथ आता है। इधर बहुत ही ब्रॉड सी पूरी आपको व्यूइंग मिलती है, आपका आरपीएम है, स्पीडोमीटर है, आपका डीआईएस है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। जो भी इसके अवेलेबल स्पेक्स होंगे मैं साइड्स में कोशिश करूंगा इनकॉर्पोरेट करने की, नहीं तो कंपनी का लिंक तो हमेशा रहता ही है, वो आप विजिट कर सकते हो। साथ में इधर आपकी ट्रिप है, इन्फो की बटन भी आपको प्रोवाइड करी गई है। पहले आपको मैं एसी वेंट चेक करा देता हूँ, तो ये आपको राउंडेड शेप में दिए गए साइड्स वाले, आपको साइड में पूरी ये जो सिल्वर फिनिश है वो प्रोवाइड करी गई इसकी बॉर्डरिंग में। इसके अलावा नीचे आप देखते हैं तो आपके हेडलैम्प एडजस्टर है, आपका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है क्रोम बॉर्डरिंग के साथ प्रोवाइड किया गया है। अब इसका जो स्टेयरिंग एरिया है उसकी तरफ आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो टॉगल्स हैं वो दिखा देता हूँ। तो इधर आपका वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है, पीछे आ जाते हैं और इसकी जो स्टेयरिंग है वो आप देख सकते हो, डुअल कॉम्बिनेशन स्टेयरिंग प्रोवाइड करी गई है। सुजुकी का ब्रांडिंग आपको क्रोम पे अवेलेबल है, सेवरल आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं, म्यूट है, इन्फो है, ट्रैक वगैरह चेंज करना है मोड है वो आप कर पाओगे। इधर आपके जो कॉलिंग कंट्रोल्स हैं वो आपको दिए गए, आपका जो कॉल कनेक्ट, कॉल डिस्कनेक्ट, ब्लूटूथ, लगभग आपने मारुति की गाड़ियों में देखा कॉमन डिज़ाइन फिलोसफी फॉलो करते हैं स्टेयरिंग की अगर आप बात करते हो, और वो आप इधर चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, बाकी आपको कुछ अगर अलग बोलना है तो आपके लिए कमेंट्स ओपन है, हमेशा मैं आपसे ये बात बोलता हूँ। अब चलेंगे दोस्तों सेंटर कंसोल की बात करेंगे, पूरा पहले मैं नीचे तक कैमरा मूव कर देता हूँ इसके सेंटर कंसोल में, पूरा पीछे तक व्यू ले लीजिए। ये इसका सिस्टम हो गया, पहले आप देख लो पूरा एक स्टैंड आउट पूरा आपको फिटमेंट दिया गया है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको अगर टच वाला चाहिए, स्मार्ट डॉक सिस्टम चाहिए, इनका स्मार्ट प्ले सिस्टम चाहिए, तो आपको टॉप एंड लेना पड़ेगा। नॉर्मल सिस्टम से काम चल जाता तो ये भी सिस्टम कोई बुरा नहीं है, नॉर्मल चीज़ें जिनको चाहिए होती हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आजकल लोग वैसे भी लोअर मॉडल ले लेते हैं, बाद में फिर ओएम सिस्टम्स भी लगवा लेते हैं। अगर आपने ऐसा करा हुआ अपनी इग्निस के साथ या अपनी गाड़ी कोई भी हो आपकी, तो अपना एक्सपीरियंस आप बता देना, और आप सिस्टम कौन से प्रेफर करते हो, टोटली ब्रांडेड कि आपका कोई भी चल जाता है काम, वो भी आप बता देना नीचे कमेंट्स में। इसके बाद आपकी जो सेवरल कंट्रोल्स हैं वो आप देख सकते हो, पूरे ये फिनिश इसकी बहुत अच्छी, पूरा फ्लैट फील पे सिस्टम आता है। इधर आपका जो सी डी डी वी डी इंसर्ट पॉइंट है वो आपको दिया गया है, डिस्प्ले काफ़ी ब्रॉड है तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना काफ़ी इजी रहेगा। इधर भी आपके सेवरल कंट्रोल्स दिए गए हैं, दो आपको रोटरी नॉब मिलती हैं क्रोम बॉर्डरिंग के साथ, अच्छे से पूरे सिस्टम का व्यू आपको मिल गया होगा। बाकी जो भी इसके रिलेटेड स्पेक्स होंगे हमेशा की तरह साइड्स में शॉट्स में आपको दिख रहे होंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा सारी इन्फो के लिए इस गाड़ी के बारे में, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इग्निस लेने के बारे में प्लान कर रहे हो। हैजर्ड लाइट की बटन हो गई,
नीचे आप देखते हैं तो अगर आप टॉप एंड से कंपेयर करते हो तो आपको जो एसी कंट्रोल एरिया है वो भी चेंज्ड मिलेगा, उसमें आपको पूरा एक एरोप्लेन का कॉकपिट टाइप फील आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको जो फिटिंग है वो प्रोवाइड करी गई है, नॉर्मल एसी आपको उसे मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखते हैं तो आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है, ऑन द गो चार्ज कर लो अपने गैजेट्स, साथ में यूएसबी है, ऑक्स है, मतलब कि मोबाइल में कोई म्यूजिक वगैरह है कनेक्ट करके सिस्टम में प्ले कर लो, और ऑक्स में यूएसबी में कोई म्यूजिक वगैरह डेटा वगैरह है कनेक्ट करके आप सिस्टम में प्ले कर सकते हो, म्यूजिक ही है डेटा क्या बोलना। इसके बाद इधर आपकी हैं कन्वीनियंस स्पेसेस, दो कप होल्डर, अगर गियरबॉक्स की बात करते हैं तो 5-speed गियरबॉक्स मॉडल विद रिवर्स, ये पूरा पियानो फिनिश और क्रोम इंसर्ट्स यूज करे गए हैं। इधर आपको नीचे भी पूरा पियानो ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल रहा है, हैंड ब्रेक आप देख रहे हो मिलता है क्रोम बटन के साथ, नीचे आपको पूरी जो ओपन स्पेसेस हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं, और पीछे आपका एक कप स्पेस या कप होल्डर देखने को मिल रहा है। दोस्तों सेंटर कंसोल का पूरा डिटेल दे दिया है, जो भी रिलेटेड स्पेक्स होंगे साइड्स में शॉर्ट्स में आपको दिख गए होंगे। अब चलते हैं इसका जो को ड्राइवर साइड है वो आपको दिखाएंगे, तो इधर आपको हल्की सी ओपन स्पेसेस दी गई हैं अब, लेकिन इसको आप यूज़ तो मेरे हिसाब से नहीं कर पाओ किसी चीज़ के लिए। इसके बाद आपका जो ग्लब बॉक्स है वो आप देख लो बहुत ही ज़्यादा डीप दिया गया है, ऊपर कंपार्टमेंट भी मिलती है, तो काफ़ी सारा सामान आपका इधर आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको मैंने बंद कर दिया है, अब पीछे आ जाते हैं और चलते हैं इसका जो वारंटी है वो चेक कर लेते हो। ड्राइवर साइड नहीं, को ड्राइवर साइड आपको वारंटी मिरर दिया गया है, ड्राइवर साइड आप देख सकते हैं वारंटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। केबिन लैंप आपका सेंटर में दिया गया है, काफ़ी ब्रॉड सा है, रोशनी काफ़ी बढ़िया सी केबिन में मिलेगी, थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा क्योंकि मैं इसको ऑन करके शूट कर रहा हूँ तो ठीक ठाक आप कैमरे के थ्रू फील कर सकते हो। लाइट्स काफ़ी लाइट काफ़ी बढ़िया सा एम्बियंस दे रही है इसके केबिन की अगर आप बात करते हो। अब दोस्तों इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो आप चेक कर लो, ये आपका सिल्वर फिनिश पे दिया गया, वाइट मॉडल है, काफ़ी बढ़िया सी इसकी क्वालिटी लगती है, बहुत अच्छा लगता है इसको देखकर। अब चलेंगे गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहाँ बैठकर बात करेंगे आपसे कि पीछे कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड पूरा अच्छे से बता दिया, फ्रंट टू सीट्स की अच्छे से बात कर ली, आप पीछे चेक करेंगे कि आर्मरेस्ट वगैरह है कि नहीं है, एसी वेंट वगैरह है कि नहीं है, तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। ये आप देख रहे हैं ऑल न्यू 2020 इग्निस जेटा मॉडल की रियर सीटिंग, आपके हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं जो मैंने आपको आगे बता दिया था। इधर आपका कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं करा गया, सिंपल प्लेन सीटिंग आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो पूरा एंट्रेंस है वो आपको चेक करा देते हैं, अंदर जाना बाहर आना काफ़ी ईजी रहेगा, काफ़ी ब्रॉड सा एंट्रेंस इधर प्रोवाइड करा गया है। आपको डोर में दी गई है बॉटल होल्डर, आपका पावर विंडो कंट्रोल और हैंडल आपका वही क्रोम पे दिया गया जो मैंने आपको आगे दिखाया था। पूरा फिट एंड फिनिश आपने इधर देख लिया है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर आपसे बात करेंगे। तो मेरी हाइट आपको पता है 6 feet है, इधर मैं आराम से बैठ गया हूँ, पहले आप आगे की स्पेस देख लो फिर आप इधर देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, आराम से मैं बैठा हूँ, हाइट भी मेरी 6 feet मैंने आपको बता दी है। जो लोग चैनल से जुड़े हैं उनको ये बात पता होगी और जो लोग शायद पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आप अभी इतनी इतनी और पीछे कर सकते हो, आराम से आप ट्रैवल कर पाओगे। बाकी जो इसका थाई सपोर्ट है वो ज़रूर आप चेक कर लो और अपने व्यूज़ आप नीचे बता सकते हो, मुझे तो बहरहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही फिलहाल, बाकी जो लोग चला रहे हैं रेगुलरली वो बता सकते हैं। कुशनिंग मैंने आपको शायद नहीं दिखाई थी आगे, इधर आप कुशनिंग है वो अपनी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपके जो बोल सकते हैं कि सेफ्टी हैंडल्स हैं तीनों डोर्स पे दिए गए, ड्राइवर साइड की ज़रूरत नहीं होती है। अब आ जाते हैं सेंटर में और इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको चेक करा देते हैं। हमेशा जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो आपको डैशबोर्ड ज़रूर दिखा देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गाड़ी का, हमेशा ये मेरा पेट डायलॉग है, मैं आपसे ज़रूर बोलता हूँ। अब वो क्यों बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ कि अब आपको बताना है कि 2020 में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस मॉडल से, इग्निस से, और क्या वो फुलफ़िल हुई हैं कि नहीं हुई हैं, आपके व्यूज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कंपनी तक पहुँचाने की भी कोशिश होगी, जो भी आप सोचते हैं आपको इसमें क्या एडिशंस चाहिए थे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2020 में आपको मिलने हैं या मिल जाएंगे और वो नहीं मिले हो, तो प्लीज़ फटाफट से नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अब दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, अपना सपोर्ट दोस्तों बना के रखिए, साइड में शॉर्ट्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सारे फीचर स्पेक्स आपको पता चल गए होंगे। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, प्लेलिस्ट ऑप्शन ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।